अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मॉक्स पेपर, ग्रेड 11 का जो P1 पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में वी हैव सॉल्व द फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, अब उससे आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो हमारे पास दैट वॉज अबाउट वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन मतलब वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन था जिसमें हम इक्वेशंस बनाते थे, तो उसका क्वेश्चन था, वो हमसे कह रहा था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ पी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, हम आर लिखते थे क्योंकि पहले आर लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन का साइन यूज करते थे, और चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है कि हम जो है ना वो जो भी क्वांटिटी अब लिखने वाले हैं वो न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ पी, इसका मतलब है कि भाई पी पे आप क्यूब लगाना मत भूलना, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब हो गया। फिर जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता था तो हम लोग इक्वल्स टू लगाते थे और हम एक कॉन्स्टेंट लगा देते थे जो हम लोग के यूज़ करते थे क्योंकि बुक में हमारे के यूज़ हुआ था, और फिर पी क्यूब जो है ना वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है वो हमारी इक्वेशन बनने जा रही है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे वो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं ना फाइंड द फॉर्मूला फॉर आर इन टर्म्स ऑफ पी, तो ये चीज़ जो है ना वो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं दैट विल कनेक्ट आर एंड पी क्यूब। तो उसके लिए जो है ना जस्ट आफ्टर दिस लाइन हमें दो चीज़ें मिलती थी, दो वैल्यूज मिलती थी, पी की वैल्यू 2 मिल रही है, आर की वैल्यू 24 मिल रही है। तो आर की जगह पे तुमने 24 रखना है और पी की जगह पे तुमने 2 रखना है। अब याद रखना है कि पी पे क्यूब भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 का क्यूब लोगे। अगर आपने क्यूब नहीं लिया तो इसका मतलब है कि फिर सब गलत हो जाएगा, वैल्यूज गलत आ जाएंगी। तो आपने पी की जगह पे 2 रख के फिर क्यूब भी लेना है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 24/8 हो जाएगा, और 24/8 जो है वो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के, मतलब ये 3 हो जाएगा सिंप्लीफाई होके। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब जब के की वैल्यू 3 आ जाती थी तो फिर हम उसको अपनी वापस जो के वाली इक्वेशन बनती थी उसमें पुट कर देते थे और अपनी फाइनल इक्वेशन बना देते थे। तो अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन गई है, आर इज इक्वल्स टू के पी क्यूब। तो अब यहाँ मैं जब के की जगह पे वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी आर इज इक्वल्स टू 3 पी क्यूब। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, आर इज इक्वल्स टू 3 पी क्यूब। अब मैं आगे के जितने पार्ट्स हैं उसमें सब मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। पार्ट बी में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन आर इज इक्वल्स टू 192। तो अब इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन है तुम्हारी आर इज इक्वल्स टू 3 पी क्यूब, सही है। तो यही वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे हर बार अब। और अब हमसे क्या कह रहा है, वो हमें आर की वैल्यू दे रहा है 192, तो आर की वैल्यू 192 आ गई, आर की जगह पे आपने 192 रख दिया। ठीक है, और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है वो पी क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप चूंकि कैलकुलेटर आपके पास तो नहीं है, P1 है, तो अब आपको इसको जो है वो रिड्यूस करना है, तो आपने 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। ठीक है, चूंकि ये 19 था तो मैंने 18 तो ले लिया, 6 × 18 एक बचा आगे बच गया तो वो हो जाएगा, और फिर ये 3 × 6 = 18 हो गया, तो 3 × 4 = 12, तो ये 64 आ जाएगा, सही है। तो पी क्यूब की वैल्यू आ गई 64। अब मुझे तो पी क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो पी की वैल्यू चाहिए। अब ये क्यूब को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जब ये क्यूब को हटाऊंगा तो मुझे जो है वो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने क्यूब रूट ले लिया, और ये क्यूब रूट पे ऐसे 3 लिख देते हैं, यहाँ भी क्यूब रूट आ गया, यहाँ भी क्यूब रूट आ गया। तो 64 का क्यूब रूट मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँ 64 आए, तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 64 = 4। तो पी की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास था 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ना उसने कन्वर्जन करवाई थी, लेकिन वो कन्वर्जन जो है वो बड़ी आसानी से हो रही थी क्योंकि सिंपल कन्वर्जन थी। वो हमसे कह रहा था कि अ कार ट्रेवल्स एट 84 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है एट 84 किलोमीटर पर आवर। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीटर्स दैट द कार ट्रेवल्स इन 1 मिनट। सही है, मतलब ये कन्वर्जन वाला सवाल है, सिंपल ना, आपको कन्वर्जन करनी है, मतलब आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आपको मीटर पर जो है ना मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा था, इसमें करना ये था कि तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है ना, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें ये 84 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, सही है ना, 84 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चूंकि मुझे इसको मीटर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं इसको ना इस तरह लिख लेता हूँ, 84 किलोमीटर को मैं लिख लेता हूँ 84,000, क्योंकि मुझे पता है ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो मैंने क्या किया 84 को
कन्वर्ट कर दिया 84 किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 84 मीटर्स में, तो ये हो गया 84,000। और ये 84,000 जो है ना, ये किसमें, एक आवर में। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अब मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ मीटर्स, तो मैंने यहाँ लिख लिया एक्स। और मुझे कितने मिनट में चाहिए, मुझे 1 मिनट में चाहिए। बस अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम जल्दी से फटाफट इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तुम्हें जिस तरह कन्वर्जन करनी है, तुम्हें अगर कन्वर्जन के वो याद है तो तुम उस तरह भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें करना है करो। ये एक और आसान तरीका था मेरे पास जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। सिंपल इस तरह रखो कि बस ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, इसको चूंकि हमें मीटर्स पर मिनट में करना है, तो हमने इसको जो है पहले से ही मीटर्स में लिख लिया। 84 किलोमीटर का मतलब हो गया 84,000 मीटर्स, और 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट। तो अब ये तो है ही मिनट में, तो अब 1 मिनट में कितना हो जाएगा, बस इसको जो है मुझे 60 x = 84,000/60 हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो यहाँ जाके 60 से मल्टीप्लाई होगा, 84,000 1 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 60 वहाँ चला जाएगा। तो दिस विल बी 84,000/60 हो जाएगा, जो कि कैलकुलेटर नहीं है। तो अब जो है वो डिवाइड करना भी देखना है कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, वो मैं जीरो में से जीरो कट करूंगा, सही है। 84,000 मैंने लिख लिया, 84,000/60 हो गया। और सबसे पहले मैंने जो है वो जीरो से जीरो कट करना है, ठीक है। और अब मैंने देखना है कि यार 6 के टेबल में 84 आता है, तो बिल्कुल आता है 6 के टेबल में 84। तो 6 times 1 is 6, और 84 को देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, पहले मैं 8 को दूंगा, तो 6 हो गया, 2 बच गया, 2 आगे चला गया, 24 हो गया, 6 4 24, तो ये 14 हो गया। और 14 के साथ जो है वो 2 zeros आ गए, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, दैट विल बी 1400 मीटर। इसका मतलब है कि 1400 मीटर जो है वो कार ट्रेवल करेगी इन 1 मिनट, ठीक है। तो दैट वॉज द ट्रिक फॉर कन्वर्जन। आपको भी जो है वो अगर इसी तरह की कन्वर्जन आती हैं तो इस तरह कर लो, ज़्यादा आसान होता है। इसमें बाद में ये कि आप उसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, याद रखो छोटे से बड़े में जा रहा है, बड़े से छोटे में जा रहा है, तो ये भी एक आसान तरीका तुम्हें पता चल गया कि भाई पहले ही जो है ना रिक्वायर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो, और जो है ना फिर देन यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर। सिंप्लीफाई कर लेना उसको आंसर, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है भाई, सब काम खुद करना है आज से। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे जो है वो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन आ गया था, जिसमें उसने कहा था कि रनर कंप्लीट्स अ रेस इन 12.3 सेकंड्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th of a second। अब देखो ये 10th of a second है, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्यूरेसी दी हुई है वो 0.1 दी हुई है, क्योंकि 10th of a second का मतलब होता है 0.1 सेकंड। और जब मैं 0.1 सेकंड को 2 से डिवाइड करूंगा, एक्यूरेसी को हमेशा आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको एरर पता चल जाता है, तो इसका जो एरर आ रहा था वो आ रहा था 0.05, ठीक है। तो अब चूंकि हमें जो है वो लोअर बाउंड फाइंड करनी थी, तो लोअर बाउंड में आपको बताया यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरर फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास थी 12.3 सेकंड्स, तो इसमें से आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट विल बी 12.25। अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम है तो देखो जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जैसे आपको माइनस करना है, सही है ना। तो ये 12.3 लिखा है, तो आप इसमें से 0.05 माइनस करना है, तो मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद 10 इधर है, तो आपने 10 इधर लगाया, ठीक है। 0 के बाद है 5, तो आपने 5 को यहाँ लगा दिया, और ये वाला 0 जाना ये इधर आ गया, सही है। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपने 0 लिख दिया। अब 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। यहाँ आप यहाँ से बोरो करोगे, ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, और जब 1 इसके पास आ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, ठीक है। और फिर डेसिमल आ गया, और फिर अगेन 2 माइनस 0 इज 2, और ये 1 आ गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट विल बी 12.25 सेकंड्स। तो ये जो है वो इसकी लोअर बाउंड हो गई, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि टू द नियरेस्ट इसने 10th of a second बोला था, इसका मतलब था 0.1, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो है ना वो यहाँ 10 की वैल्यू ले ली, और 10 को 2 से डिवाइड करके 5 जो है ना वो इसका वो निकाला हुआ है, और फिर उससे जो है ना पूरी वैल्यू ख़राब हो गई उनकी, 1 मार्क उनका डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखा करो भाई कि एक्यूरेसी जो है वो हमने पूरा चार्ट बना लिया था कि एक्यूरेसी जो है वो जैसे नियरेस्ट किलोमीटर है, तो नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। नियरेस्ट मीटर है तो उसका मतलब है 1 मीटर। अगर नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ है नियरेस्ट 10th of a second TH वाला 10th है, तो ये 0. जो है वो 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ नियरेस्ट 100th of a second लिखा होता तो फिर ये 0.01 हो जाता, ठीक है। एक्यूरेसी को हमेशा एरर से डिवाइड करते हैं, आपके पास एक्यूरेसी को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एरर आ जाता है। लोअर बाउंड के लिए जो है वो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अपर बाउंड के लिए जो है वो एरर को ऐड कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।
वैसे मैं 9 जो था ना, दैट वाज अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आसान सा क्वेश्चन था। उसमें फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था कि एक लाइन दी हुई थी हमें, 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x मीट्स द y एक्सिस एट a एंड द x एक्सिस एट b। अब देखो ये तुमसे कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये x एक्सिस को भी मीट कर रही है और y एक्सिस को भी मीट कर रही है। तो जब वो y एक्सिस को मीट करेगी, y एक्सिस से गुजरेगी, तो जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस से गुजरेगी वहां x की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ए, मैं जो है वो x की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, वो मेरा कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। और अगर ये लाइन x एक्सिस से गुजर रही होगी तो जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस से गुजरेगी वहां y की वैल्यू जीरो होगी, तो मैं इस इक्वेशन में y की जगह पे वो जीरो रख दूंगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, a का एक कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा, b का एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब चूंकि a जो है वो y एक्सिस वाला पॉइंट है तो इसमें x की वैल्यू जीरो होगी, और b जो है वो x एक्सिस वाला पॉइंट है तो यहाँ y की वैल्यू जीरो होगी। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है बस। तो बस अब यही काम करते हैं जल्दी से। अब उसने पहले बोला है मीट द y एक्सिस एट ए, y एक्सिस की बात कर रहा है तो x को जीरो रख देते हैं। जब यहाँ x को जीरो रखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है 2y = 6 - 3x, x की जगह पे मैंने रखा जीरो, 3 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो गया। ठीक है, और 6 में से जब मैंने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, और फिर ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ठीक है, तो 3y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू जीरो है, तो मैं इसको लिखूंगा 0,3। ये मत जो है ना भूला करो कि जब वो x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहा है ना, तो एक कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, या फिर उसकी x वैल्यू जीरो होगी या फिर उसकी y वैल्यू जीरो होगी। तो ये हमारे पास जो है वो a आ गया। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब b की बात कर रहा है, कह रहा है b जो है वो ऐसा पॉइंट है जब ये लाइन जो है वो x एक्सिस को मीट कर रही है। तो x एक्सिस को मीट करने का मतलब है कि अब मुझे इसी इक्वेशन में y को जीरो रखना है। तो मैंने ये दोबारा इक्वेशन लिख ली, 2y = 6 - 3x, अब मैंने y को जीरो रख दिया, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हो गया, ये माइनस 3x इस साइड पे आ गया, ये पॉजिटिव का 3x हो गया, इक्वल टू 6 हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब x की वैल्यू 2 आई है तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ये तो x एक्सिस का पॉइंट है। तो यहाँ मैंने जो है वो 2,0 लिख दिया, और फिर ये जो है मेरा b पॉइंट हो गया। तो बस ये याद रखा करो कि जब भी x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसमें एक की वैल्यू जरूर जीरो होगी, या फिर एक्स की वैल्यू जीरो होगी या वाई की वैल्यू जीरो होगी। सही है, तो ये हमारा ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद उसने कहा था फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन के लिए जो है वो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमें वाई को सब्जेक्ट बनाना है। तो वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके दोनों के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके इसके जो है ना वो दोनों मेथड हैं। आसान मेथड ये है कि आपके पास इक्वेशन तो गिवन है ना, आपको ग्रेडियंट ऑफ द लाइन निकालनी है ना, इक्वेशन गिवन है, तो बस आप y को सब्जेक्ट बना लो। जब आप y को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा इस तरह ना, माइनस 3x मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये माइनस 3x के नीचे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि y के साथ 2 था ना, तो ये उधर चला जाएगा 2, और फिर पॉजिटिव का 6 है तो 6 के नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे जो है वो y इंटरसेप्ट का तो काम नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट जो है वो x के साथ होती है, तो ग्रेडियंट आ गई माइनस 3/2, तो इसका आंसर माइनस 3/2 आ गया। लेकिन अगर तुम जो है वो a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट को यूज करके x1, y1, x2, y2 करके ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी लगाओगे, तब भी उससे बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये एक मार्क का था इसमें। इस तरह जो है वो ज्यादा आसान है कि y को सब्जेक्ट बना के जस्ट फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। लास्ट पार्ट में वो तुमसे कह रहा था मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, तो मिड पॉइंट के लिए वो उसने तुम्हें जो है वो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। एक उसने कहा था कि अनदर स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस एट दिस एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P तुम्हें दिया हुआ है एंड पासिस थ्रू पॉइंट Q, Q भी दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो ये x1 y1 हो गया, ठीक है, ये x2 y2 हो गया, x1 प्लस x2/2, x1 मेरे पास है -4 और x2 जो है वो 2 है, तो -4 + 2/2 हो गया, और y1 मेरे पास है 0, y2 है 18, तो 0 + 18/2, -4 + 2 जो है वो -2/2 हो गया -1, और 0 + 18 = 18/2 = 9, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो मेरे पास आ गए -1 और 9। तो ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन से कुछ, इंशाल्लाह बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह जो है ना टाइम टू टाइम आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो थी, 3 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ, ताकि जल्द अज जल्द जो है ये पेपर नंबर 1 डिस्कस हो जाए। पेपर 1 हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वी विल मूव ऑन टू द पेपर 2। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जिसमें रिवीजन की जरूरत है, जैसे ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गए, इनके क्वेश्चंस जो है ना कुछ कुछ निकाल के उन पे वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि तुम लोग के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो थोड़े से रिफ्रेश भी हो जाएं। बाकी है कि मॉक्स में जो चीज़ें सी रह गई थी उनको भी थोड़ा सा एड्रेस करना ज़रूरी है, ताकि ये कि वो कॉन्सेप्ट्स भी जो है ना वो क्लियर हो जाएं, कवर हो जाएं।
ताकि फिर आगे इंशाल्लाह सीआईएस में प्रॉब्लम ना हो। बाकी तुम लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखो इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। छुट्टियां हैं तुम लोग की, लेकिन ये है कि उसको अवेल करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टॉपिक्स को अलाइन करो, कौन सा टॉपिक की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा वीक एरिया है, तो बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो इंशाल्लाह। ठीक है, अपने लिए भी दुआएं करो और हम लोग के लिए भी दुआएं करो, हमें भी दुआओं में याद रखो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।